सूर्य क्रिया आपके सिस्टम को बाकी सौर मंडल के साथ तालमेल में लाने का एक अद्भुत प्रयास है। सूर्य नमस्कार मुख्य रूप से मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। आपकी शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, आपकी आध्यात्मिक संभावना, सब कुछ इससे तय होता है। सूर्य क्रिया बुनियादी अभ्यास है। सूर्य नमस्कार उसका सरल रूप है। हट शब्द में ह यानी सूर्य, ठ यानी चांद। सूर्य और चांद के बिना कोई हट योग नहीं होता। तो ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूं, पता नहीं लोगों ने पहली बार यूज दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम एस नमस्कार और सूर्य नमस्कार, कब सूर्य नमस्कार नाम का इस्तेमाल किया था, पर अलग अलग जगहों में यह अभ्यास अलग अलग तरह से सिखाया जाता है। मैं गलतियां नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग वजहों से जानबूझकर अलग अलग तरीकों से सिखाया जाता है। आश्रम में मुझे लगता है लोग चार अलग अलग तरह के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। मैं एक अलग तरह का सूर्य नमस्कार करता हूं, यानी पांच तरीके। ज्यादातर इसे सूर्य नमस्कार कहते हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से मणिपुर चक्र सक्रिय करने, सिस्टम में गर्मी पैदा करने और समत प्राण या ऊष्मा बढ़ाने के लिए है। सौर शब्द सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। मैं चाहता हूं आप ये समझें कि धरती पर आप जो भी गर्मी महसूस करते हैं वो वाकई सूर्य से आती है, जो कई तरीकों से इकट्ठी और मुक्त होती है। या हाइड्रोकार्बन्स का रूप ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सूर्य में पके हुए हैं। अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं तो सिर्फ सौर ऊर्जा बाहर आती है। अगर सौर ऊर्जा हटा दी जाए तो धरती ठोस बर्फ बन जाएगी। शोध से पता चला है कि 18 घंटों के समय में सारे समुद्र बर्फ बन जाएंगे। अगर सूर्य अभी गायब हो जाए तो परसों सुबह तक सब कुछ ठोस बर्फ होगा, कुछ भी तरल या लिक्विड नहीं बचेगा। तो सब कुछ सौर ऊर्जा से चलता है। शायद आप सोचें कि हम थर्मल या गैस से पावर पैदा कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ सौर ऊर्जा से हो रहा है। मुझे ये पक्का तो नहीं पता, मैं इसकी बारीकियां जानना चाहूंगा, पर अकेला उपवाद शायद अणु का टूटना हो सकता है, ये सौर नहीं है। और तभी इसे सबसे प्रभावी और खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसमें इस सिस्टम के सामान्य ऊर्जा भंडार का उपयोग नहीं किया जाता जो कि सूर्य है। So when we activate the sun in the system, the body begins to glow and shine. जब हम सिस्टम में सूर्य को सक्रिय कर देते हैं तब शरीर दमकने लगता है। अगर आपको कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आमतौर पर सिस्टम में ज्यादा बलगम के रूप में प्रकट होती हैं, सिर्फ नाक में ही नहीं हर जगह बलगम बढ़ सकता है। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है उसके ग्लैंड से निकलने वाले स्राव और बलगम के स्तर बहुत आसानी से संतुलित और ठीक रहते हैं। इससे सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं कई चीजें तय होती हैं।
आपकी शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, आध्यात्मिक संभावना सब कुछ इसी से तय होता है कि आप में कितनी सौर ऊर्जा या कहें कि आपकी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव कितने संतुलित हैं। अगर ग्रंथि स्राव थोड़े भी असंतुलित हों तो यहाँ बैठकर सुनना भी बहुत मुश्किल होगा। ध्यान या कुछ और करना तो दूर की बात है। आपको अजीब महसूस होगा क्योंकि केमिस्ट्री कमजोर हो जाएगी, तो इसे संतुलित करने के लिए ये सबसे सरल और प्रभावी साधना है।